सबसे पहले जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं लाइव में, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। रही बात अभी जो हम लोगों का यह मुद्दा अभी मतलब काफी समझिए कि एक ऐसा मुद्दा बनकर के निकला है कि सभी शिक्षकों में एक उपवह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और इसमें भी धैर्य का परिचय देना अति आवश्यक है। और विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि इस NIOA शिक्षकों से, जो प्रशिक्षित हमारे शिक्षक साथी हैं, उनसे रुपए की भी उगाही का काम शुरू हो गया है। तो मैं सबसे पहले जो भी साथी जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी किसी को भी 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता होगी तो हम सभी साथी पटना के गांधी मैदान में बैठेंगे, और जो वहां रणनीति बनेगी, अगर कोर्ट जाने की ही रणनीति भविष्य में बनती है, तो हम किसी के साथ क्यों जाएंगे? हम लोग स्वयं क्यों नहीं बैठ करके इसका निर्णय स्वतंत्र रूप से सभी के बीच लेकर के आगे बढ़ेंगे? और सबसे बड़ी बात एक और बात है कि बिहार में जितने भी शिक्षक संगठन हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस मुद्दे पर अभी तक खुल करके कोई जल्दी आना नहीं चाह रहा है। एक अभी TSUNSS और एक आपको अमित विक्रम जी का है TPSS, 3। और सबसे पहले मैं अपने संगठन परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के तरफ से ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव को मैंने दिया स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने को लेकर के। तो बाकी मैं चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से भी मैं चाहता हूं कि अन्य सभी संगठनों के पास यह मैसेज जरूर पहुंचाएं, ताकि सभी संगठन यथाशीघ्र कम से कम ज्ञापन दे। अधिकाधिक अगर संगठन का वहां ज्ञापन जाए तो हो सकता है विभागीय स्तर पर इस पर विचार करने के लिए पदाधिकारी लोग मंथन करें। जी सर, बिल्कुल जो है इस ओर का कदम बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए जहां तक मुमकिन हो सभी संगठन को मिलकर के लड़ना चाहिए और ज्ञापन देना चाहिए। लेकिन सर, कुछ जिलों में जो है इस प्रकार का जो लेटर निकला है कि जिनका 22 मई 2019 है, उनको टच नहीं किया जा रहा है, तो ये किस आलोक में वो कर रहे हैं सर? सर, इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बीच के बहुत सारे शिक्षक साथी ठीक से समझ भी नहीं पा रहे हैं, और कुछ जिलों में पदाधिकारी लोग भी स्पष्ट रूप से पत्र को नहीं समझ रहे हैं। जब हम तमाम शिक्षक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूरा कर लिए, हमारा एग्जाम क्लियर हो गया, अब रही बात रिजल्ट प्रकाशन की, तो रिजल्ट प्रकाशन की जिम्मेवारी सरकार और NIOS दोनों साझा रूप से हम लोगों को प्रशिक्षण कराया। ये नहीं कि केवल NIOS कराया, NIOS एक मतलब उसका अपना वो एक संस्था है, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कराया, लेकिन राज्य सरकार की जब तक सहमति नहीं होती तब तक केवल भारत सरकार के आदेश से हम लोग नहीं कर पाते। इसलिए रिजल्ट प्रकाशन की जिम्मेवारी NIOS और ये राज्य सरकार की होती है, ना कि हम शिक्षकों की। जैसे आप लोग या हम सब जानते हैं कि बिहार सरकार भी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम कंडक्ट करती है, एग्जाम लेती है बच्चों की, तो एग्जाम लेते ही 5 दिन या 10 दिन में तो रिजल्ट नहीं दे देती है। ठीक उसी तरह NIOS के डायरेक्टर महोदय का एक वीडियो वायरल हुआ था विभिन्न ग्रुपों में, मैंने भी देखा, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप मैंने सभी क्राइटेरिया फुलफिल किया, एग्जाम लिया, प्रशिक्षण समाप्त किया, और रिजल्ट की जहां तक बात है तो उन्होंने कहा है उस वीडियो में कि रिजल्ट इतना जल्दबाजी में कोई भी नहीं दे सकता है। रिजल्ट का मतलब हुआ कि कॉपी जांच होती है, टेबुलेटिंग होती है, उसके तत्पश्चात मार्कशीट का पब्लिकेशन होता है, जारी किया जाता है, तो ये सब प्रक्रिया होती है। और जब NIOS के डायरेक्टर ने इसको स्पष्ट कर दिया है तो पता नहीं ये हमारे राज्य सरकार के हमारे मंत्री या विभागीय पदाधिकारी लोगों के मतलब इनका रवैया क्या है शिक्षकों के प्रति, ये तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। अब्दुल बाकी अंसारी भाई भी आ चुके हैं, उनका भी मैं जी सर, अब्दुल बाकी अंसारी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है सर। सुना जाए
जी, अब बाकी साहब आपके पास आवाज पहुंच रही है सर? जी, सभी भाइयों को, सभी अहबाब को मेरे तरफ से आदाब सलाम। जी, आवाज़ आ रही है, बात आप लोगों की सुन रहा हूँ। अभी मैं बहुत लेट से जुड़ा हूँ, मुझे जुड़ने नहीं आ रहा था। तो आप मृत्युंजय साहब जो फरमा रहे थे, आप अपनी बात को जारी रखें, चूंकि मैं अभी फौरन ही जुड़ा हूँ। जी सर, नहीं तो इस नहीं बात आप जिस तरह से जुड़े जो है हैं तो मतलब मैं है। चाहता हूं कि सबसे पहले मैं तो थोड़ा बहुत बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप तमाम शिक्षकों को अपना एक संदेश दे, ताकि उनमें एक मतलब उत्साह आए, और जो हतोत्साहित अभी साथी हमारे जो हो रहे हैं, थोड़ा सा उनमें एक ऊर्जा का संचार हो। मैं चाहता हूँ अब्दुल बाकी अंसारी भाई, आप थोड़ा सा अपना विचार जरूर दें। देखिए, बात तो ये है मोहतरम, कि कल मैं इसी मुद्दे पर लाइव आया था, और मैं समझता हूँ कि मैं अपनी बात को समझाने में कामयाब हुआ। लेकिन जहाँ तक बात मैंने रखने की बात है, तो सबसे पहले पहले तो ये बात है कि हम लोग मतलब कितना देर का सेशन रख रहे हैं इसको, ठीक है ना। आप मैंने हम लोगों की बातें मतलब आधे घंटे होगी, 1 घंटे होगी, या लगातार चलती रहेगी, उस हिसाब से सभी साथी लोग अपना बात रखें। मैं मतलब इस पर मतलब कहूंगा जो बातें हैं। आपने तमहीदी कलमात बहुत अच्छी तरह से मतलब अदा किया है मृत्युंजय साहब। जी शुरुआती जो आपने इसका विवेचना किया है, बहुत बेहतरीन किया है, जी और मैं आप ही की मैंने भूमिका पर मतलब बात करना चाहूंगा, जो आप भूमिका बना रहे हैं। तो विवेचना शुरुआती आपका बहुत अच्छा रहा, अच्छा है जो मैं सुन पा रहा हूँ, जैसा मैं लेट से जुड़ने की वजह से। तो आप लोग बात करें, मैं 10 मिनट के बाद शुरू होऊंगा। और साथियों को, ये चंदन साहब हैं, मोहम्मद सद्दाम साहब हैं, ये ऊपर मोहम्मद साहब हैं, अब्दुल साहब हैं, ब्रिज किशोर साहब हैं, अपनी अपनी बातों को रखें। और मैंने कुछ देर सुनने के बाद ही ना बात होती है, जी और चूंकि कंडक्ट आप कर रहे हैं मृत्युंजय साहब, तो आप बहुत अच्छा मतलब इस पर भूमिका बना रहे हैं। पहले भूमिका मतलब ये करें कि हमें किन बातों पर बात करनी है, कैसे हम लोगों को क्या करना है। तो नहीं, अब्दुल ये नीरज अब्दुल नीरज सद्दाम साहब कंडक्ट कर रहे नी, हैं। हाँ, वो सद्दाम साहब जी कंडक्ट कर रहे हैं। जी 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 सद्दाम साहब, ये नीरज साहब हैं, ब्रिज किशोर साहब हैं, ये तो चंदन साहब हैं, चंदन साहब भी बोले कुछ, अखिलेश साहब हैं। तो जहां तक मुझे बोलने की बात है, मैं बोलूंगा। ये तो सर मैं ब्रिज, जी सर, ये जो लैब जो उद्देश्य ये है कि सबसे पहले अभी सबसे जिन्होंने सबसे पहले सबसे मतलब सबसे सबसे पहले बोलने वाले लोग स्क्रीन पर आ जाएं, ताकि हम एक दूसरे को बेहतरीन से देख सकें। इस तरह जो ऐसे ही मतलब वीडियो करने हैं तो ना कुछ प्रॉब्लम आती, तो ये जो है सर जो डिबेट रखने का है यही है कि अपने समय हो रही है जो नए जिनकी जिनकी जी आवाज जिनकी आवाज जिनकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, वो मेहरबानी करके पहले अपना नेटवर्क को दुरुस्त कर लें किसी भी उसातत से, और वो उसके बाद बोले। जिनकी आवाज साफ आ रही है वो शुरू हों, और अपनी बात को कम वक्त में बेहतरीन से मतलब रखें, ताकि हमारे वो अहबाब जो इससे जुड़े हैं उनको बात एकदम बिल्कुल समझ में आए। नेटवर्क जिनका प्रॉब्लम है, वो थोड़ा नेटवर्क अपना दुरुस्त कर लें। जी है सर, क्या
ये साहब की आवाज नहीं सुनाई दे रही है मुझे, मेरे समझ से ब्रिज किशोर साहब कुछ बताएं या प्रकाश साहब जुड़े हैं, प्रकाश साहब कुछ बोलें।